Hello everyone, I'm Anuj and he is Vishal. We are from Germanium Instruments and we make smart guitar. In conventional guitar, beginners find very difficult to learn the chord patterns because on the notation on the notebook, it is very hard to convert it on the fretboard of the guitar. So we made this smart guitar which can easily translate these chords and notations using these LEDs embedded on the fretboard. And we have embedded a chip here which can pair some using a Bluetooth with your smartphone. There is a dedicated app. You can easily give the command of which chord you want to learn and it will be displayed on the guitar's fretboard and you can easily play it with your fingers. This is all about smart guitar. Welcome Vishal and Anuj to Startup Munch. Thank you. So, isme pura ka pura digital rahega ki I need this also to learn? ये आपको चाहिए क्योंकि इसमें एक हार्डवेयर है जो एक्चुअली स्मार्टफोन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है ऑन द एलईडी बोर्ड. तो आप एक डेमो दिखाएंगे. श्योर. बैक साइड में इसका यहाँ हार्डवेयर है. हाँ. इसको मैंने ऑन किया. आप देख सकते हैं एलईडीज लिट अप हो रही है. नाउ अब हम कनेक्ट करते हैं इसको. अब ये शो कर रहा है कनेक्टेड. कनेक्टेड इज. अब हम कॉर्ड्स में जाएंगे. So you can see all the chords. So इसमें हमने एक basic 24 chords रखे हैं जो एक beginners को learn करने होते हैं. So this is A major. LEDs are glowing. अब just मुझे यहाँ पे अपने fingers से grab करना है और play करना है. जो sound आपको अभी TV से आ रहा था वो और ये मैं match करके check कर सकता हूँ कि मेरा guitar tuned है कि नहीं. Now we will come for A minor. So this is A minor. डिफरेंट साउंड. अब मुझे अपनी फिंगर्स इन डॉट्स पे प्लेस करनी है और प्ले करना है. नाउ देयर इज अ स्पीक बटन ऑल्सो. ए मेजर. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज ए मेजर कमिंग एंड यहां ए मेजर की जो कॉर्ड है वो लिट हो गई है. हम इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, जो कॉर्ड्स नोटबुक में है उसको जब हम यहां पे ट्रांसलेट करते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता है और कई बार गलत कॉर्ड बजता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ठीक से कन्वर्जन नहीं आ रहा. उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई बार लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं. उन्हें लगता है यार मैं नहीं बजा सकता. तो हमने उस पेन पॉइंट को देखा कि मेनली कॉर्ड कन्वर्जन हो जाए एक बार गिटार में, उसके बाद वो इजिली बजा सकता. वंस यू आर गुड टू गो उसके बाद फिर आपको देखना भी नहीं पड़ता क्योंकि मेमोरी मसल मेमोरी बन जाती है. मसल मेमोरी बिल्ड कर. सो आप लोग मिले कैसे, मतलब एंड व्हाई यू have this concept? Sir, actually, जैसे मैंने बताया कि 15 years से मैं गिटार बजा रहा हूँ और मैं basically एक electronics engineer हूँ और मैंने graduation के बाद जब students को पढ़ाना start किया, उनके major projects, M.Tech के जो projects रहते थे उनको जब पढ़ाता था तो मेरा एक concept था कि आप अच्छे से इसको करो तो मैं आपको गाना सुनाऊँगा गिटार पे. तो उनको बड़ा entertainment रहता था. तो ऐसा वो जब सुनते थे तो उन्हें भी इच्छा हुई कि मुझे भी सीखना है. तो एक बैच बन गया जिसमें 8-10 बच्चे आते थे जिनको मैं सिखाता था. अब होता क्या था, तब मैंने फील किया कि ये प्रॉब्लम है कि इनको कॉर्ड्स जब मैं समझाता हूँ तो ये ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और एक एक करके सब ड्रॉप हो रहा है कि सर वो कॉर्ड्स नहीं पकड़ पा रहा हूँ. तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज को कन्वर्ट करूँ. और फिर ये आइडिया आया कि मैं LEDs को यहाँ बिल्ड करूँ. और उस समय मोबाइल के साथ मैंने पेयर नहीं किया था, वहाँ पर मैंने यहाँ स्विचेस रखे थे बट इतने सारे कॉर्ड्स के स्विचेस नहीं आ सकते थे. तो फिर मुझे क्लिक किया कि इसको मुझे मोबाइल के साथ पेयर करना है और ऐसे ही फिर स्मार्ट गिटार बना. तो आप दोनों कैसे मिले? हम लोग पिछले 2 साल से हैं. इनको मैंने अपना आइडिया बताया और बताया कि SSM मैं कर रहा हूँ. तो इन्होंने अपने इनपुट्स दिए डिज़ाइन, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं. इन्होंने डिज़ाइन के बारे में बताया कि अगर हम सारी चीज़ें ऐसे वायर्ड रखेंगे तो आगे जाके उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्यों ना हम उस PCB को इनबिल्ट करें. फिर वो PCB प्रॉब्लम कर रही थी तो फिर हम फ्लेक्सिबल पे आए. तो डिज़ाइन के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प की. आप ये बना दिया, LED लाइट्स लगा दिया. So what is stopping my other guitar manufacturer to put the LEDs? Because we have got the patent of this instrument. So first thing is हमने protect कर लिया इसको. What is unique thing? आपका patent में what is unique? Unique यह है कि इसके जो fretboard है इसमें जो LEDs लगी हैं वो actually पूरे pattern को show करती है. guitar जो भी chord होता है उसका pattern show करती है. Okay. Next thing is जब हम इसमें जाते हैं intermediate level पे, क्योंकि जब कोई बिगिनर है वो सीख जाता है उसे कॉर्ड समझ में आ जाते कि ये अब नेक्स्ट लेवल है कि अब मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना है. ठीक है, तो सॉन्ग प्ले करते समय कुछ ना कुछ कॉर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है लाइक D major, F major, C major.
तो उसमें हमने फिर ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सॉन्ग्स हैं, तो सपोज मैंने सॉन्ग वन किया तो अब ये मुझे उन पैटर्न्स को शो करेगा जिसको मुझे बजाना है और शिफ्ट भी करना है। लाइक अभी सी मेजर बज रही है तो मैं इसको बजाऊंगा, अब मुझे शिफ्ट करना है इसको, इसको जब मैं और बजाऊंगा थोड़े देर बाद ये शिफ्ट होगी किसी और कॉर्ड पे। तो ऐसे फोर कॉर्ड पैटर्न, थ्री कॉर्ड पैटर्न्स ऐसे हमने इसमें फीड करके रखा है इन 10 सॉन्ग्स कॉम्बिनेशंस में। और क्योंकि बिगिनर को थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमने इसमें थोड़ा डिले दिया है जिससे कि वो अच्छे से रिदम को प्रैक्टिस कर पाए। सो बिकॉज ऑफ एलईडी लगाने से और ये माइक्रो कंट्रोल लगाने से आपका अकॉस्टिक पैटर्न कुछ चेंज हुआ? और नहीं, अकॉस्टिक जो भी साउंड आ रहा है वो प्योरली इस गिटार पे आ रहा है, क्योंकि हमने गिटार को कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने उस पोर्शन में हमने अपना सेट किया है जहां से म्यूजिक साउंड का कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट यू नीड टू पुट इन और एनी सेटिंग्स यू आल्सो यू नीड टू एडजस्ट इनटू द इंस्ट्रूमेंट? नो, जैसे एलईडी वगैरह ये सब होना चाहिए? मतलब नहीं, हम क्या करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एज इट इज रहता है और हम इसके ऊपर से हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें फिट करते हैं जिससे कोई भी साउंड में मॉड्यूलेशन ना हो। सो देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द कंपनीज रिक्वायर्ड, दिस इज समथिंग एक्सटर्नल पार्ट यू आर पुटिंग इनटू इट? यस, एब्सोल्युटली। बट एलईडी तो अंदर ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए ना, वो पूरा गिटार बेचेंगे विद? या वी आर सेलिंग द होल गिटार। या दे हैव टू सेल द होल गिटार। तो ये आप गिटार खरीदते हो उसमें चेंजेस करते हो कि उनके लेवल पे ही कंपनी लेवल पे ही ये चेंज होके आता है? नहीं, गिटार हम लेते हैं। हाँ। गिटार का भी स्टैंडर्ड देखना पड़ता है क्योंकि हमने जो चीजें बनाई हैं वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है। अगर आप ये गिटार बनाने से बेटर देन मेकिंग गिटार, इफ यू मेक ए एलईडी स्ट्रिप दैट यू कैन अटैच इट एंड दैट वो सेपरेट बनाओगे, देन यू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गिटार। लेट्स से आई एम ए गिटार, आई एम ए लर्नर, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे ये ब्रांड का गिटार ले लो अच्छा है, वो ले लिया और आपका किट खरीद लिया टू लर्न, देन वो बाद में वो निकाल करके गिटार यूज कर सकता है। सो आई ओनली नीड दिस फॉर फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट? राइट, इनिशियली 6 months। या सो अंटिल आई गेट द मेमोरी, सो इफ आई कैन आई मेक एज अ पैटर्न दैट आई स्टिक द एलईडीज? यस, ऑलरेडी इसमें स्टिकी किया हुआ है सर। इसमें हमने स्टिकी किया हुआ है? नहीं, स्टिकी किया हुआ, बट वो आप गिटार खरीद रहे हो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ आप एक किट बनाओ, एक्सटर्नल किट ओनली, जी. मैं पीछे का वो लगाऊ और एलईडी स्ट्रिप गिटार, सो आई कैन कन्वर्ट एनी गिटार, वेदर आई हैव अ गिटार इन माय होम आई वांट टू लर्न और आई एम बाइंग अ न्यू गिटार, आई बाय दिस एज एन एडिशनल किट। यस सर। सो दैट वे व्हाट विल हैपन इज आई इंक्रीजिंग माय कस्टमर बेस। जैसे कि यू आर पुटिंग इट एलईडीज, मतलब इफ यू कैन ब्रिंग इट हियर आई विल शो यू, ठीक है? इफ यू कम आउट सम स्ट्रिप्स लाइक दिस कि भाई यहां पे ऐसे ही पड़ा हो, एलईडी यहां पे चारों तरफ उसकी लाइट कर रही हो, सो आई कैन हैव द पुटिंग इट दिस वे एंड आई कैन प्रेस द I can play it. My point is, why do I have you have to sell the guitar? Yeah. Why can't I sell this just strip and ye box? Yeah. So we have also thought over that. Haan. The reason is this standard guitar is for us, but in market there are various different sizes. So this electronic circuitry don't fit in on the fretboard exactly. So we have to purchase a standard guitar so that it limited can fit. Sellability ho jayega. अगर ब्रांड बेस्ड सेलिब्रिटी में आ जाओगे, बट वी आर वर्किंग फॉर दैट आल्सो दैट वी कैन जस्ट सोली सेल दिस इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो, सो वी हैव टू मॉडिफाई द साइजेस सो दैट एनी गिटार यू कैन प्लेस योर इलेक्ट्रॉनिक्स। इफ यू टेक द टॉप 3 ब्रांड्स यू गेट 60-70%, सो देन यू मेक 3 स्ट्रिप्स फॉर टॉप 3 ब्रांड्स। या सो यू मेक वन फॉर गिटार, बिकॉज़ आपका ये तो सेम रहेगा। हाँ, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, आपका ये स्ट्रिप का ये चेंज होगा। हाँ। बस ट्रिप का सर्किट भी सेम है, बट आपका पिच 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 अलग होगा। तो आप यमा के लिए बनाओ एक, गिब्सन के लिए एक बनाओ, वाई के लिए एक बनाओ, एंड उसके आपको क्या होगा, बिकॉज सी जो खरीदेगा यमा हैज ऑलरेडी बिल्ड अ ब्रांड ऑन गिटार। आई वुड वांट सी, मैं BMW कार लेता हूँ उसके ऊपर अगर इफ आई वॉन्ट टू पुट समथिंग आई विल पुट ऑन टॉप ऑफ इट, बट आई विल नॉट बाय ए ब्रांड टू लर्न ड्राइविंग, not foregone BMW, right? Yeah. So I will want to buy Yamaha. So I think your focus should be changing this and as sir ne bataya, up side mein bhi light lagao so that roll kar lo. See, because okay, I am left handed. So basically aapka ye jo ye hai position, one you start like this, you your memory aapko aise aa jayega. Aapko ye natural position mein rehna chahiye na. Aap ye side mein bhi ek strip lagao, single strip. Okay. Yeah. I mean I don't know. So main isko clarify karta hu. सर जब मैं अभी 15 इयर्स से बजा रहा हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिनको मैं
सिखाता हूँ। तो सर एक्चुअली जो एक कन्वेंशनल वे है वो भी ऐसा है कि आप बिगिनिंग में स्ट्रिंग्स को देखते हुए कहाँ पे आपको फिंगर प्लेस करनी है, एक्चुअली वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एलईडीज को यहाँ लगा दिया तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके फिंगर्स कहाँ हैं, आपको एलईडी से समझ में कौन से ब्लॉक में लग रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने वहाँ पे ही लिट किया है। ओके, तो आप हमें भी एक गाना सुना दो। श्योर सर। शाम सवेर तेरी यादें आती है, हाँ के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम,